मेजर आदित्य कुमार जीवन मृत्यु के दरमियान खड़े हुए थे, जब 26 जनवरी 2018 के दिन कश्मीर के शोपियन जिले में एक बड़ी भीड़ की पलटन ने उन पर पत्थरों की बौछार करी। आतंकवादी आम जनता की ढाल बनाकर हम पर हमला कर रहे हैं। उन्हें डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की घटना याद आई, जो कि श्रीनगर मस्जिद के बाहर ऐसे ही लोगों के हाथों मारा गया, और तब अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होता तो समझो वो मर चुके होते। गोली चलाओ। 3 लोग मारे गए और शायद उनके साथ साथ समझौते का मौका भी खत्म हो गया, जिसके लिए 2 सहयोगी दलों ने एक साथ सरकार बनाई थी। महबूबा मुफ्ती जम्मू और कश्मीर की मुख्यमंत्री पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा। मुख्यमंत्री मुफ्ती ने मेजर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। शस्त्र लोगों पर गोलीबारी करने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मेजर आदित्य कुमार और भारतीय सेना के 10 गढ़वाल यूनिट के खिलाफ 302 हत्या और 307 हत्या की कोशिश के मामले दर्ज किए जाते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा 3,323 किलोमीटर लंबी है, जिसका 221 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय हिस्सा है और 740 किलोमीटर का LOC हिस्सा है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है, जहां से आतंकवादी घुसपैठ करते हैं। आजकल आतंकवादी हमले कुछ ज्यादा ही होने लगे हैं। अब तक जम्मू कश्मीर में 23,364 आतंकवादी मारे गए हैं। करीबन 4 से 7 सालों में ये संख्या प्रति वर्ष 100 के आसपास थी, पर पिछले 2 सालों में ये दोबारा बढ़ रही है। सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो 2013 के संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु को फांसी देना और उसके परिवार को बिना बताए दफन करने से आतंकवादियों को युवाओं को उत्साहित करने का बहाना मिल गया। एक और कारण ये भी है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई जिम्मेदार नेता नहीं है। वहां के प्रधानमंत्री शाहिद अब्बासी नवाज शरीफ के लिए तख्त गरम कर रहे हैं और पाकिस्तानी सेना के मुख्य जनरल कमर बाजवा के अब रिटायर होने के दिन आ गए हैं, और आतंकवादी जैसे LET, JEM और हिजबुल मुजाहिदीन इस गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध होने के बावजूद 1980 के दशक तक कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैंड माना जाता था, जहां कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई। शम्मी कपूर ने श्रीनगर के डल झील में गाने गाए, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। तो वहीं सिलसिला में अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ कश्मीर के पहाड़ों में रोमांस किया। तो कैसे ये जन्नत की जगह आखिर नर्क बन गई? चलिए कुछ वक्त पीछे 1987 के राज्य चुनावों में, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूख अब्दुल्ला और तब के कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, जिसके खिलाफ मुसलमानों ने भी एक गठबंधन बनाया, MUF यानी मुस्लिम संयुक्त मोर्चा। हम सभी MUF को वोट देंगे। 79% के रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बावजूद MUF को 43 सीटों में से सिर्फ 4 ही मिले, जबकि कांग्रेस को 40 में से 40 और अब्दुल्ला ने 46 में से 40 पर जीत हासिल करी। चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली का होना माना गया है। JKLF के छात्र नेता यसीन मलिक ने सरकार के खिलाफ विशालकाय विरोधी प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसके लिए उन्हें तुरंत जेल फेंक दिया गया। उनका कैदी साथी और MUF उम्मीदवार सैयद सलाउद्दीन था, जो कि आगे चल के खतरनाक आतंकवादी संस्थान हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख बना हुआ है। हमने चुनाव लड़ा ताकि हम विधानसभा में कश्मीर की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित कर सके। भारत ये नहीं चाहता था, तभी उन्होंने चुनावों में धांधली की। जेल में मुझे जानबूझकर जहरीला खाना दिया गया और मैंने दिल का एक वाल्व भी खो दिया। कश्मीर में प्यार व्यार से काम नहीं चलेगा, हमें एक हिंसक आंदोलन की जरूरत है। नियंत्रण रेखा पार करने के बाद यासीन मलिक और उसका समूह JKLF ने कश्मीर में आतंकवादी हमलों की शुरुआत की। पाकिस्तान, जो कि अब तक भारत के खिलाफ 3 युद्ध और बांग्लादेश हार चुका था, उसने इस मौके का फायदा उठाया। हम भारत को कभी पारंपरिक युद्ध में नहीं हरा सकेंगे, लेकिन छोटे छोटे जख्मों से हम उनका खून बार बार बहाते रहेंगे। एक क्षेत्रीय मुद्दा पाकिस्तान को भड़काने से सांप्रदायिक बन गया, जिस कारण 1990 में 2.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 युद्ध में
7,245 सैनिक को खोया, जबकि 20 वर्षों में कश्मीर के आतंकवादी हमलों में 6,368 लोग मारे गए, लगभग उतने ही। तो जनरल जिया के छोटे जख्मों वाली नीति काम कर गई, लेकिन ज्यादा पीड़ित महसूस कौन कर रहा था? आतंकवादी हिंसा में 67,000 पाकिस्तानी मारे गए, जिनमें से 40,000 के ऊपर सैनिक थे। 2011 में पूर्व अमेरिकी विदेश सचिव हिलरी क्लिंटन ने कहा, अपने आंगन में पले हुए सांप कभी न कभी तुम्ही को आ डसेंगे। भारत ने पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को सेना द्वारा सफलतापूर्वक दबाया, माओवादी उग्रवाद, बोडोलैंड और गोरखलैंड आंदोलन को नियंत्रित किया, और उनका यह मानना है कि कश्मीर में भी आखिरकार यही होगा। अन्य हिंसक बगावतों पे भी सैन्य रूप से काबू पाया गया है, जैसे श्रीलंका में LTT, स्पेन में बास्क, उत्तरी आयरलैंड, चीन के उघीर लोग, रूसी में चेचन्या। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को सुधारने में लगा हुआ है। देखें बिस्बो की कहानी, क्या पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाएगा? हालांकि महबूबा मुफ्ती ने मेजर आदित्य के खिलाफ की गई FIR वापस ले ली है। आदित्य के पिता ने सर्वोच्च न्यायालय में अनुरोध की। सेना कश्मीर में बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में काम कर रही है, और अगर मेरे बेटे ने गोली नहीं चलाई होती तो वो मारा जाता। कृपया FIR को रद्द करें। जब तक और जांच नहीं की जाएगी, मेजर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। रेडियो मिर्ची FM जम्मू ने कश्मीरी पंडितों को अपने बचपन के पड़ोसियों के साथ जोड़ने की पहल की। मुझे बचपन में तुम्हारे साथ खेलना याद आता है। मैं तुम सबको और अपने पुराने घर को देखना चाहता हूँ। ये आखिरी पीढ़ी है जो शांति बना सकती है, क्योंकि पंडितों और कश्मीरियों के बीच अब तक एक भावनात्मक संबंध बना हुआ है। आइए आशा करते हैं कि सेना केवल एकमात्र समाधान ना हो। बिस्बो की शायरी, भारत के सरकार जो ताज, मुश्किल में कश्मीर है आज, सियासती है खींचा तानी, आतंकी करते मनमानी, दुश्मन बैठा है नापाक, अमन चैन पर गिरती गाज, कब होगी जन्नत आबाद, सब कश्मीरी होंगे साथ। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।